अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में फेजेस इन राइटिंग की बात हो रही है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल सकती है कि ये कैसे होती है प्री राइटिंग राइटिंग और पोस्ट राइटिंग के क्या मराइल होते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर ये भी है कि हम किसी एक्सपर्ट से जानें जो एक प्रोफेशनल राइटर हैं एंड हु हुज़ बिन इट फॉर सम टाइम आज हमारे स्टूडियो में इसी मकसद के लिए मौजूद हैं अवैस ख़ान इन्होंने कई पब्लिकेशंस के लिए लिखा है ऑनलाइन पब्लिकेशंस के लिए भी और इनकी ख़रीब एक किताब भी आने वाली है जो कि एक यूके एजेंट और पब्लिशर्स उसको शाइ करेंगे अवैस अपना और डिटेल में इंट्रोडक्शन कराएंगे। अवैस जी वालेकुम जी मेरा नाम अवैस खान है uh, मैं लाहौर में राइटिंग uh, इंस्टीट्यूट के नाम से एक अदारा uh, चलाता हूँ और मैं उसका फाउंडर हूँ और हम लोग ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग और स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रप्रेशन कराते हैं उसके अलावा मैं एक फुल टाइम राइटर भी हूँ uh -huh. और मैंने मेरे काफ़ी आर्टिकल्स स्टोरीज पब्लिश हुई हुई हैं मैगजीन्स में डेली टाइम्स में मैं लिखता रहता हूँ मोड में एल रिव्यू और uh, मेरी uh, uh, जो नावल है वो uh, मेरी यू के एजेंट है लंडन uh, में एनेट क्रॉसलैंड वो उस चीज़ को हैंडल कर रही है और इट इट शुड बी आउट तो देट इज़टो <laughs>

और दूसरा होता है जो आ, राइटर जो एक्चुअली फॉलो करता है हर फेज को हुँ. तो मेरी तो यही एडवाइस होती है मैं जिनको पढ़ाता भी हूँ सारे ऐसे राइटर्स को कि आपको हमेशा फेजेस को फॉलो करना चाहिए आ, पहला पहला जैसे फेज़ है राइटिंग का अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ब्रेन इसको उसको हम कहते हैं चाहे वो ऐसे हो चाहे आर्टिकल हो चाहे वो एक कोई स्टोरी भी हो तो ब्रेन स्टार्मिंग होती है जब आप अपने दिमाग को थोड़े अपने आप को थोड़ी इजाजत देते हैं कि आप सोच सकें कि आपने लिखना किस बारे में या ना कि आप शुरू ही शुरू से ही कुछ लिखने लग जाएं आप पहले अपने आप को ज़रा टाइम दें कि आप आइडियाज़ के बारे में ज़रा सोच सकें तो उसको ब्रेन स्टार्मिंग कहते हैं उसके बाद फिर एक आता है आ, स्टेज जिसको हम एक्चुअल राइटिंग कहते हैं फिर आप उस ब्रेन स्टार्मिंग में जो आपने आइडियाज़ कलेक्ट किए होते हैं उसी को आप एक्सपैंड करते हैं इनटू एक्चुअल राइटिंग विद जो आर्टिकल हो गया या एस हो गया या फिर एक प्रॉपर नावल या स्टोरी हो गया तो वो स्टेज टू होती है और स्टेज थ्री फाइनली होती है एडिटिंग और एडिटिंग आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी राइटर की उसमें करियर में या जिंदगी में क्योंकि जो चीज़ आप पहले लिखते हैं वो चाहे आप बहुत बड़े राइटर भी क्यों ना हो आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई होगी उसमें तो वो जो एडिटिंग स्टेज होती है वह आपको इजाजत देती है कि आप जा चेक कर सकें कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं कहाँ आपने नहीं किए और वो सारा कुछ आप फिर उसको अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली तो ये तीन स्टेजेस मेरे हिसाब से राइटिंग वैसे अपने कहा कि जो बड़े राइटर्स होते हैं उनको भी इसकी जरूरत होती है तो हाँ ये राइटर को। इसका कैन यू से मोर अबाउट दैट हम सोचते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस्ड है या एक्सपर्ट है तो वो उसको शायद इसकी ज़रूरत नहीं होगी या हो सकता है कोई सोचे कि मैं तो समबडी माइट बी अ टीचर तो वो सोचें कि मेरी तो कोई गलती नहीं होगी लेकिन उनकी भी गलती होती है और ये कैसे है इसकी क्या वजह है यह हर बंदे की गलती होती है देखें चाहे आप बहुत बड़े एक्सट्रीम लेवल के भी राइटर होना आप गलतियाँ जरूर हर बंदा गलतियाँ करता है बिकॉज इंसान टू इन, तो बी ह्यूमन ह्यूमनजूर इस तो, तो इसलिए आप तो देखें जो पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं उसमें भी आपके पास एडिटर्स होते हैं हर जो राइटर होता है उसके ऊपर उप, एक एडिटर बैठा होता है राइटर चाहे जितना भी बड़ा हो एडिटिंग हर राइटर को करनी पड़ती है आप अगर पब्लिशिंग बड़े पब्लिशिंग हाउसेज में भी चले जाएँ तो आप ये देखेंगे कि हर राइटर के ऊपर एक एडिटर बैठता है और उस एडिटर का काम यही होता है कि वो उस राइटर के काम को चेक करता है और फिर पहले प्रूफ रीड करता है और फिर उसमें चेंजेस करता है और उसके बाद ही वो शाया होने जाती है चीज़ वरना उससे पहले आप नहीं भेज सकते तो इसी तरह चाहे आप घर पर लिख रहे हैं चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हैं चाहे पैसे लिख रहे हैं आपने ये ज़रूर देखना है कि आप चीज़ लिखते ही नहीं सबमिट कर सकते कहीं भी आपको हमेशा एडिटिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है कुछ लोग दस दस बार भी एडिटिंग करनी पड़ती है उनको फिर जाके वो आ, बिल्कुल परफेक्ट होती है चीज़ तो कई का, लोग समझते हैं कि जी राइटिंग इतनी कोई कुछ लोग इतना अच्छा लिख लेते हैं कि हम लोग इस तरह कैसे क्यों नहीं लिख सकते तो वो यही उसका हल यही है कि वो एडिटिंग के थ्रू गुजरे होते हैं लोग तो अगर आप भी एडिटिंग के थ्रू गुजरेंगे तो आपकी भी राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी तो वैसे जैसे आपने कहा कि पब्लिशिंग हाउस में बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं और वो दे लीड यू थ्रू द प्रोसेस तो जो जैसे घर में जो लोग लिख रहे हैं हमारे जो ये ऑडियंस है ज्यादातर फ्री करेंगे ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए तो वो ख़ुद अपने काम को एडिट कैसे कर लेंगे या उस, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास मेरी एडवाइस यही होगी कि आप घर में बैठे भी एडिटिंग अपने काम की भी कर सकते हैं बल्कि जो एडिटर्स आपके जो पब्लिशिंग हाउसेस में एडिटर्स होते हैं वो भी यही एडवाइस देते हैं कि आप हमें देने से पहले आ, जो भी आप नावल फर्स्ट करने ख़त्म किया आपने तो आप उसको दो तीन दिन तो रख दें ड्रोअर में आप उसको छेड़ें ही ना या दो तीन हफ्ते उसके बाद आप उसको चेक करें और आपके पास ऐसी ऐसी गलतियाँ उठ के नजर आएंगी आपको जो आपको यकीन भी नहीं आएगा कि आपने की हैं और वो इतनी सिली मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर की मिस्टेक हो गई वो तो वो जब इंसान लिख रहा होता है तो वो एक माइंड उसका एक डिफरेंट माइंड सेट होता है वो एक फ्लो में होता है तो वो लिखता जाता है लेकिन फिर तो जब एडिटिंग स्टेज में पता लगता है कि कहाँ कहाँ आपने गलती की हुई है और ये जो दो तीन हफ्ते का गैप है इससे किस तरह मदद मिलती है वो फिर ये होता है कि जिसको हम कहते हैं ना फ्रेश सेट ऑफ आईज़ तो आप एक फ्रेश आंखों से ना अपने काम को देखते हैं तो वो एक डिटेचमेंट होती है जिसको हम कहते हैं ना हाँ। आप एक जिस तरह किसी अनजान बंदे का काम देख रहे हो तो फिर आप ज्यादा अच्छी तरह गलतियां पकड़ सकते हैं तो आप घर पर भी एडिटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं ठीक है अच्छा में ने कहा कि जैसे कुछ लोग जो है वो बस लिख लेते हैं और कुछ जो है मतलब प्लानिंग के साथ लिखते हैं और कुछ इंतज़ार करते हैं इंस्पिरेशन का से अ लिटिल मोर अबाउट दैट इंस्पिरेशन क्या है क्या उसका इंतज़ार करना चाहिए कैन वी अफोर्ड टू वेट फॉर इट वो हाउ डज़ दैट वर्क आउट जी देखें इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी चीज़ क्या चीज़ लिख रहे हैं अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं फॉर एक्ज़ाम्पल वो तो ज़्यादातर आपके उस आइडियाज़ ऑलरेडी होते हैं आपको पता होता है कि इस डायरेक्शन में मैंने जाना है तो उसमें तो इंस्पिरेशन का इंतज़ार करने की आई डोंट थिंक कोई जरूरत होती है वो तो बल्कि उसमें ये होता है कि आपको लिखना चाहिए कि आप जितनी जल्दी उसको लिख अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें उतना अच्छा है लेकिन जब क्रिएटिव राइटिंग होती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आपने करनी हो या पोइटरी हो या नावल राइटिंग हो उसमें फिर आपको थोड़ा होता है लोगों को इंस्परेशन का इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि अब हमारा कैरेक्टर यहाँ से वहाँ किस तरह जाएगा वो इस सीन से उस सीन हम किस तरह लेके जाएंगे तो उस चीज़ के लिए लोग अक्सर इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं इसीलिए जिसको हम कहते हैं राइटर्स ब्लॉक वो एक चीज़ होती है जब लोग अक्सर महीना महीना उनको समझ नहीं आ रहा हो तो हम का, क्या करें तो फिर वो रुक जाते हैं उनके उनका काम वहीं पे रुक जाता है तो ये काफ़ी एक असल चीज़ है राइटर्स ब्लॉक तो वो होता है इस तरह तो जैसे अगर हमारे जो ऑडियंस हैं इसमें लोग अगर एक, किसी क्लाइंट के लिए शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं अपनी बिल्कुल ज़ाती तस्किन के लिए नहीं किसी क्लाइंट के लिए एंड इज अ दैट दे हैव टू मीट तो राइटर्स ब्लॉक हो या इंस्पिरेशन नहीं आ रही तो उसका मतलब क्या व्हाट्स अ गुड वे टू डील विद दैट मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिस पहले तो आप प्रैक्टिस करें अगर आप किस आपको लगता है कि आपको ये राइटर्स ब्लॉक वाली चीज़ आ सकती है तो फिर आप शुरू में खुद इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करें कि आप इस केपेबल हैं कि आप लिख भी सकें स्टोरी यानी तो अगर आपको आप में कैपेबिलिटी है और आप में वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो फिर ही आप किसी का कमीशन करवाएँ कमीशन करता है तो आप एक्सेप्ट करें उसका उसके बगैर कमिट ना करें करेंट ना करें बिल्कुल सही है अच्छा आप लिख, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी है सो लाइक टू नो कि आप किन का काम पढ़ना पसंद करते हैं कौन से राइटर्स आपको पसंद हैं और उनकी क्या चीज़ आपको पसंद है ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि देखें जो भी कोई राइटर या रीडर होता है ना उसके कई फेवरेट्स होते हैं लेकिन अगर मैं अभी सोचूं तो एक आ, ये यूके आई मीन वेस्टर्न ऑथर है डॉनर टर्ट तो आई रियली लाइक हर बुक्स उनकी है द सीक्रेट हिस्ट्री एक उनकी बहुत अच्छी बुक है द गोल्ड फिंच जो पलट भी जीती थी आई थिंक और उसके बाद एक हैं एमो टोल्स टौ, उनका आई डोंट नो प्रोनाशन क्या है, नाम थे लेकिन उनकी उनका नावल आया था जेंटल मैन इन मॉस्को वो बहुत अमेजिंग नावल है इसी तरह हमारे पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे नावल्स लिखते हैं तो मैंने रिसेंटली एक पढ़ा था आ, ये फ़ाइा मनसुब का नावल है दिस कले हाउस ऑफ क्लेन वाटर वो बहुत अच्छा था फातमा भुट्टो बहुत अच्छा लिखती हैं उनका मैंने नावल पढ़ा है वो और वो एक नावल है जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड हुई थी अच्छा तो वो भी बड़ा आ, उसका मुझे उस, उनका काम भी बहुत अच्छा लगता है तो इसके अलावा कई आ रहे हैं पाकिस्तान से ऑथर्स और उनको चांस मिल रहा है और पब्लिश हो रहे हैं तो उनमें से एक मैं भी हूँ जो आई एम ट्राइंग तो या जबरदस्त अच्छा एक आखिरी सवाल ये है कि आपके ख्याल में आ, राइटर्स जनरली आपने कहा एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सारी फेजेस में राइटर्स जनरली और हमारे जो राइटर्स जो आपके स्टूडेंट्स भी हैं यंग एंड ओल्ड आप सबको सिखा रहे हैं तो उनमें से कौन सी स्टेज है जिसके ऊपर लोग ज्यादा मार खाते हैं? Uh, मेरे ख्याल से एडिटिंग वाली स्टेज पे लोग Editing. नहीं एडिटिंग करते मैं चाहे स्पेशली बच्चों को तो मैं okay. बहुत कहता हूँ कि आप प्रूफ रीड किया करें ठीक है तो प्रूफ रीड जब तक आप नहीं करेंगे ना कई गलतियां निकल आती है अगर आप मुझसे हुँ. भी लिखवाए ना तो मैं भी गलतियां करूंगा तो ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग एडिट करने के बग़ैर पोस्ट कर देते हैं एडिट के बग़ैर चीज़ भेज देते हैं तो वो जो फिर एग्जामिनर होता है आपका उसके ज़म्मे आ जाता है इसी तरह जैसे अब आपके आइल्स एग्जाम्स हैं या जिस तरह के जी आर ई है जो उनसे उसमें एक ऐसे पार्ट होता है अगर आप बगैर प्रूफ रीडिंग किए हुए दे दें तो एग्जामिनर उनके पास होता है जी बल्क के हिसाब से पेपर्स आए हुए होते हैं तो अगर वो आपका पेपर अच्छा नहीं है आपका ऐसे अच्छा नहीं है उसमें गलती हैं

Uh, apply some of these things to Korea.